पी वी पेन कार्ड या रीप्रिंट करने के लिए ऑफिशियली इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन करना है यहाँ पर हमारे सारे डेटा सेव होते हैं तो चलिए हम सिर्फ वेरीफाई यू पेन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं इसमें हमारे डेटा फिल करना है जैसे कि पेन कार्ड नंबर डालना है फुल नेम डालना है डेट ऑफ बर्थ और अपना मोबाइल नंबर फिल करके कंटिन्यू करना है तो चलिए मैं अपना सारी डिटेल्स फ़िल कर देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ क्लिक करते ही जो एंटर किए गए मोबाइल नंबर पर एक ओ सेंड किया जाता है हमें ओ रिसीव हो चुका है हमने इस फील्ड में क्लिक करना है और ओ एंटर करना है वैलिडेट करना है वैलिडेट करते ही हमें पेन इज़ एक्टिवेटेड एंड डिटेल्स एज पर पेन का मैसेज शो होता है इसके बाद डिस्क्रिप्शन में दी गई सेकंड लिंक को ओपन करना है ओपन करते ही हमें रिक्वेस्ट फॉर रीप्रिंट ऑफ पेन कार्ड का मैसेज शो होता है हमें नीचे स्क्रॉल करना है पेन कार्ड नंबर एंटर करना है आधार नंबर एंटर करना है मंथ ऑफ तो बर्थ तो फ़िल करना है ईयर ऑफ बर्थ तो फ़िल करना है जीएसटी नंबर ऑप्शनल होता है उसे ऐसे ही छोड़ देना है दिया गया कैप्चे को उसी तरीके से फ़िल करना है और सबमिट कर देना है सबमिट करते ही हमें पेन कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारियाँ डिस्प्ले की जाएंगी, जो कि सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर कोडेड होती है फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन सही है इन्फॉमेशन को वेरीफ़ाई करना है मोबाइल नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है एग्री टर्म्स एंड कंडीशन का करना है जनरेट ओ करना है हमें ओ रिसीव हो चुका है ओ को उसी नंबर पर रिसीव होता है जो कि ऊपर दिखाया गया है उस ओ को यहाँ पर एंटर करना है ओ वैलिडेट करना है अब हमें फिफ्टी रुपीज़ का पेमेंट करना होता है उसके लिए हमें पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं भीम यू से पेमेंट कर सकते हैं तो चलिए हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं टर्म्स ऑफ सर्विसेज़ को रीड करना है एग्री करना है एग्री करने बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करते ही हमें अमाउंट फिफ्टी रुपीज़ एंड हमारा ट्रांजेक्शन आई शो होता है इसको देख कर हमें पे कन्फर्म करना है कन्फर्म करते ही हमें पेमेंट के डिफरेंट मेथड्स दिखाई देते हैं जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब हम भीम यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट करते हैं वहाँ पर हमें क्यूआर कोड शो होता है या फिर हम अपना यू पी आई आई डी नंबर इंटर करके भी पेमेंट सक्सेसफुल कर सकते हैं हमारा फिफ्टी रुपीज़ का पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पर डिटेल्स शो हो रही है कंटिन्यू पर क्लिक करना है जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है हमारी एक्नोलिजमेंट रिसिप्ट जनरेट होती है हमें एन एस डी एल की तरफ से रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्ट करने का मैसेज रिसीव होता है यहाँ पर हमारा एक्नोलिजमेंट नंबर शो होता है डाउनलोड पीडीएफ करके इसको मोबाइल में सेव कर लेना चाहिए पैन कार्ड को एन एस डी एल की जानब से प्रिंट किया जाता है और डिस्पैच होते ही आपको एक एस एम एस रिसीव होता है जिसमें आपको ट्रैक्शन आई डी दिया जाता है पंद्रह से बीस दिनों के अंदर अंदर आपके एड्रेस पर पैन कार्ड रिसीव हो जाता है नहीं तो इस तरह आप पैन कार्ड दोबारा बनवा सकते हैं